रात के 2 बजे का टाइम था फ्रैंकफर्ट में पिकअप का, बट कुछ 15 मिनट बस खाली लेट थी तो 2:15 हमारा पिकअप हो गया था। एंड उसके बाद इतनी रात में मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैंने अपना जितना भी ब्लॉग कंटिन्यू करना था जो मैंने घर पे बोला था वो मैं नहीं कर पाई, और सिंस मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं सीधा सो गई। और उसके बाद एक स्टॉप था कहीं मानहाइम, मुझे बिल्कुल होश नहीं है कि वो कब स्टॉप आया, कब पैसेंजर्स वहाँ से चढ़े। एंड नाउ आई एम हियर नेक्स्ट टू अल्प सी। अब मैं आगे चलती हूँ थोड़ा, बस मैं चारों तरफ अभी बस देख ही रही हूँ और व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक सन ऊपर नहीं चढ़ा है। तो धीरे धीरे जैसे सनराइज़ हो के सन ऊपर जा रहा है तो एल्प्स के पहाड़ों के बीच में से सनलाइट आ रही है और ऐसा लग रहा है वो छन के बिल्कुल एक ऑरा वाली लाइट निकल रही है, तो काफ़ी डिवाइन जैसी फीलिंग आ रही है देख के। अभी पूरे पहाड़ और स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं एंड देन मैं ऐसे बीच में एक छोटी सी लेक के बगल में खड़ी हूँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। एल्प्स से कवर करने के बाद मुझे जाना था होहेनशांगाउ कासल, और ये कासल दिखने में तो काफ़ी हाइट इसकी कम लग रही थी कंपेयर टू नॉशमनस्टाइन कासल, बट मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और मेरे सामने जो येलो कलर का कासल आप देख रहे हैं वो है होहेनशांगाउ कासल। अगर आपको उस कासल का व्यू देखना है तो वो यहाँ से बेटर दिखेगा, और अगर इसको देखना है तो फिर वो वहाँ वाले से बेटर दिखेगा। मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं ये भी लगा रहा भूल गई हाथ में लेके बात कर रही थी। थोड़ा पानी पीती हूँ फिर ऊपर चढ़ती हूँ। अगर आपको इस कासल के अंदर जाना है तो आप गाइडेड टूर का टिकट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको म्यूजियम घूमना है तो आप उसका भी टिकट ले सकते हैं। मेरा प्लान नहीं था अंदर जाने का तो इसलिए मैंने सिर्फ बाहर से इसको इन्जॉय किया, और इसके बाद मुझे जाना था नेक्स्ट कासल जो कि था नॉशमनस्टाइन कासल, और वहाँ पे मेरा प्लान था अंदर म्यूज़ियम में जाने का। हाउएवर वहाँ पर टिकट आउट ऑफ स्टॉक था जो कि मुझे नहीं मिल पाया। यूरोप में मैंने देखा है कि कई सारे कासल और म्यूज़ियम होते हैं तो मैं थोड़ा पहले से ही स्टडी करके जाती हूँ कि मुझे अंदर जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि टिकट जो होते हैं वो रेंज करते हैं कुछ 15 यूरो से लेके कभी कभी 25-26 यूरो तक जाते हैं। सो कुछ धीरे धीरे रुकते रुकते 15-20 मिनट की वॉक के बाद मैं ऊपर फाइनली आ गई, और एक पॉइंट था जो मुझे कवर करना था, दैट वाज मरियन ब्रूक। मरियन ब्रूक एक ऐसा ब्रिज है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट वहाँ से आपको नॉशमनस्टाइन कासल का लुक बहुत अच्छा दिखता है, तो उस ब्रिज पे जाके आप वहाँ पे वो देख सकते हैं व्यू, बट समहाउ वो आज एक्सेसिबल नहीं है ब्रिज, तो मुझे वापस से यहाँ पे टॉप पे आना पड़ा। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से लोग बैकग्राउंड में फ़ोटो ले रहे हैं, बट अभी सन बिल्कुल ऊपर है तो फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से इसके बैकग्राउंड मेरी कोई अच्छी फ़ोटो नहीं ले पाऊँगी मैं, बट ओवरऑल बहुत ही कासल ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे जाके टिकट लूँगी, क्योंकि कल जब मैं घर से निकलने से पहले दिन में चेक कर रही थी तो संडे का टिकट अवेलेबल दिख रहा था, आज का जो है आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था, सोल्ड आउट दिखा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मे बी टिकट ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे जाके देख लेंगे, और यहाँ पे जब बस पार्क हुई हमारी वहीं पे एक नोटिस लगी हुई थी कि जो नॉशमनस्टाइन का टिकट है वो सोल्ड आउट हो गया है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। जब मैं नीचे से ऊपर आ रही थी तो मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा था काफ़ी अच्छा सा, मेरे ख्याल से वहाँ पे होटल भी है उसके अंदर, तो आप वहाँ पे खा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक सुवेनियर शॉप है और एक छोटा सा कैफ़े टाइप का मुझे कियोस्क दिख रहा है जहाँ पे एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है, मतलब कि आप 5 यूरो में एक कॉफ़ी हॉट ड्रिंक ले सकते हैं जिसके अंदर की एक आपको मग भी फ्री मिलेगा और एक कुकी मिलेगी। बाकी ऊपर आने में मेरी वापस से हालत ख़राब हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा स्वेट करने लगी थी क्योंकि बहुत चलते चलते सांस फूल रही थी, गर्मी लग रही थी। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है हॉर्स कैरेज का। हॉर्स कैरेज जो है वो एक्चुअली हॉर्स नहीं खींच रहा है, उसके अंदर कुछ तो मशीन और कुछ तो इंजन लगा हुआ है, तो अगर आपके साथ आप चलना नहीं पसंद करते तो फिर वो ले लीजिए एंड देन आप बहुत ही जल्दी आ जाएंगे ऊपर। सो ये लास्ट पॉइंट पे आ गई हूँ मैं, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकती, और यहीं पे गेट है नॉशमनस्टाइन कासल का, वो रहा मेरे सामने व्यू पॉइंट जो कि नीचे की तरफ है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, तो अब हम वापस नीचे चलते हैं। इस वीडियो में आप दोनों कासल को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और
मैं जा रही हूँ अब अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है हाईलाइन 179। तो अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो आप ये ब्रिज ज़रूर कवर कीजिएगा। तो अब मुझे एस्किमो जैसा बनना पड़ रहा है कुछ। मास्क उतार देती हो क्योंकि टिकट की लाइन में नहीं हूँ मैं। तो नेक्स्ट जो स्टॉप था वो नॉशवानस्टीन कासल से निकलने के बाद था हाईलाइन 179। तो ये क्या है, ये एक हाईलाइन एक ब्रिज है जो काफ़ी ऊपर है। अभी तो वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है। तो इसकी एंट्री के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। सो पहला ऑप्शन ये है कि आप ऊपर जाने के लिए पैदल जा सकते हैं एंड देन ऊपर ब्रिज का एक्सेस ले सकते हैं। तो ये कॉस्ट है कुछ 8 यूरो पड़ेंगे। और यही अगर आप जैसे ग्रुप में, जैसे मैं ग्रुप में आई हूँ, बट लोग प्रिफर कर रहे थे कि वो लिफ्ट से जाएंगे, तो उनको थोड़ा डिस्काउंट मिल गया तो वो शायद 13 यूरो में जा सकते हैं। अदरवाइज़ 15 यूरो का टिकट है। तो आप एक फर्नैक्यूलर करके लिफ्ट है वो सीधा ऊपर लेके जाएगी और फिर ब्रिज आप क्रॉस कर सकते हैं। तो सिंस मुझे व्लॉगिंग भी करनी थी, मेरा थोड़ा मन भी था कि इतनी ठंडी हवाओं में मैं थोड़ा हाइक करूँ एंड देन क्रॉस करूँ ब्रिज। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अब। सो इस हाईलाइन 179 पे मैं वॉक कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा हिल रहा है ये ब्रिज, जिसको अगर डर लगता है हाइट से, मे भी उनके लिए नहीं है ये, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को आधे रास्ते से रिटर्न होते हुए देखा है, मतलब लोग उनको हेल्प करके वापस लेके जा रहे थे। बट मेरे हिसाब से ये 7 यूरो जो मैंने दिए हैं, इट इज़ वर्थ इट। आप व्यू देखो, इधर एल्प्स है, नीचे इतनी छोटी छोटी सी कार है, बिना पकड़े चलती हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ रहा है क्योंकि हाथ में गैजेट और कैमरा भी है, और अगर आप फ़ोन भी लेके चल रहे हो तो ये दो रेलिंग के बीच में गैप्स है, तो वो चांसेस है कि नीचे गिर सकते हैं। बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो अब मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि अब मुझे बस यहाँ से नीचे ट्रैक करना है और अपनी बस में जाके बैठ जाना है। 6 बजे बस चलेगी और वापस जो रूट जैसे स्टार्ट हुआ था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सबको ड्रॉप करते हुए इनिशियल जो स्टॉप था डॉर्टमुंड, वहाँ पे जाएगी। सो ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।